आज आएगा पहर, मोदी सरकार का पहला रेल बजट, देश की जनता को है बड़े ऐलान की उम्मीद। सदानंद गौड़ा पेश करेंगे रेल बजट, बुलेट ट्रेन को लेकर हो सकता है कोई ऐलान। रेलवे के कई क्षेत्रों में एफडीआई की हो सकती है घोषणा, सुरक्षा को लेकर भी कई ठोस उपायों की उम्मीद। रेलवे कैटरिंग की अच्छी सुविधा की भी है जनता को उम्मीद, सारी प्रीमियम ट्रेनों को वाईफाई से कनेक्टिविटी देने की हो सकती है घोषणा। माल और यात्री किराया पहले ही बढ़ाया जा चुका है, विभिन्न धर्म स्थलों को जोड़ने के लिए कुछ नई ट्रेनों का भी ऐलान। मोदी के सपनों की रेल का बजट में दिखेगा रोड मैप, रेल भाड़ा और बढ़ने की उम्मीद कम, 13 दिन पहले ही बढ़ा है 14% भाड़ा। 11 बजे रेल भवन से निकलेंगे रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, रेलवे के अधिकारी भी होंगे साथ। बजट पेश करने के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे रेल मंत्री, दोपहर 2:30 बजे देंगे मीडिया के सवालों का जवाब। रेल बजट से पहले कई बीजेपी सांसदों ने रेल मंत्री के सामने रखी मांग, अपने इलाके में नई ट्रेनें चलाने की मांग। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की मांग की, संजय जायसवाल ने भी अपने यहां पर सुपरफास्ट ट्रेन की मांग रखी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को भी रेल मंत्री से बंधी आस, अपने इलाके में स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग, मेरे जिले में भी चलाई जाए स्पेशल ट्रेन। एमपी के देवास से पहली बार सांसद बने मनोहर ऊंटवाल की भी नजर, रेल मंत्री पर अपने इलाके के लिए और अधिक ट्रेनें चलाने की मांग। रेल बजट आने से पहले ही बदलने लगी रेलवे की तस्वीर, सोशल मीडिया पर उतरी भारतीय रेलवे। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर उतरी रेलवे रेल मिनी इंडिया के नाम से रेल मंत्रालय की ऑफिशियल एंट्री। रेल यात्रियों को सही जानकारियां कम वक्त में पहुंचाने के मकसद से हुई पहल, आईआरसीटीसी की वेबसाइट में भी जल्द होगा बदलाव। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने जताई खुशी, कहा सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल है मोदी सरकार की प्राथमिकता। It is the Narendra Modi's one far-reaching thinking that each and every man in this society should have IT accessibility. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की सजा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तमिलनाडु सरकार के फैसले पर होगी सुनवाई। तमिलनाडु विधानसभा ने किया था हत्यारों की रिहाई का फैसला, यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की थी अपील। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार भी नहीं बरतेगी हत्यारों पर नरमी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखा जाएगा सरकार का पक्ष। राजीव गांधी की हत्या के 3 आरोपियों को पहले कोर्ट ने सुनाई थी फांसी, बाद में दया याचिकाओं पर फैसले में हुई देरी के चलते उम्र कैद में बदली गई थी सजा। 19 फरवरी 2014 को जयललिता सरकार ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे हत्यारों की सजा माफी का लिया था फैसला। सोनिया ने कहा, हमने हार स्वीकार की लेकिन चुनाव से पहले हमारा गठबंधन बड़ा था, हम नेता विपक्ष पद के हकदार। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता उन्हें नेता विपक्ष का पद देने में डर किस बात का। प्रतिपक्ष के नेता का ना स्वीकार करना ये बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि ऐसा कोई कानून। कमलनाथ के मुताबिक लोकसभा में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को ही मिलना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आज स्पीकर को चिट्ठी देकर मांगेगी नेता विपक्ष का पद, मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे स्पीकर को चिट्ठी। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, चुनाव में करारी हार के बाद भी कांग्रेस नेता विपक्ष पद के लिए बेसब्र।
ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आतुर है कि वो विपक्ष की एलओपी के कुर्सी पर अपने आप को बैठाए, मुझे लगता है कि देश के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया है, और जब देश के लोगों ने स्वीकार नहीं किया है तो कांग्रेस पार्टी आखिर में प्रतिपक्ष में आने के बाद राहुल जी अपने आज उनके जुबान से कुछ शब्द निकलते हुए अंग्रेजी में सुनाई दिए, और कुछ लोगों ने देखा कुछ लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज बड़े बेचैन अवस्था में उन्होंने कुछ शेम शेम के नारे लगाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शरीयत अदालतों को कानूनी मान्यता नहीं, लेकिन नहीं ठहराया असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा तीसरी पार्टी की अपील पर न जारी करें फतवा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फतवा मानना जरूरी नहीं, लेकिन साथ में यह भी कहा सभी फतवे नहीं होते गलत। हम इस फैसले को इस तरह देखते हैं कि इन्होंने रिट पिटीशन अलाउ ना करके बहुत अच्छा किया है, और जो उसमें प्रेयर थी वो बिल्कुल गलत थी कि हम लोग पैरेलल जुडिशरी रन कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो लोगों के मामले में न पड़े शरीयत अदालतें, सिर्फ राय देने का अधिकार। दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, नरेला इलाके में बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या। घर में 77 साल की शांति देवी का शव मिलने से इलाके में पसरा खौफ, घर में अकेली ही रहती थी बुजुर्ग महिला। लूटपाट के इरादे से वारदात को अंजाम दिए जाने का शक, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। पूर्वी दिल्ली में डॉक्टर के शर्मनाक करतूत, क्लिनिक में इलाज के लिए आई युवती से दुष्कर्म का आरोप। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देने के लिए आरोपी ने युवती को बुलाया था क्लिनिक, क्लिनिक के अंदर ही किया युवती से रेप। पीड़ित युवती की बहन भी थी, पीड़ित के साथ बहन की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया रेप का केस। पुलिस ने किया आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार, डॉक्टर की पत्नी का आरोप, मेरे पति को फंसाया जा रहा है। वो लड़की 3 दिन से आ रही है और 3 दिन से मैं उसको देख रही हूँ। आज वो लड़की मतलब मेरी एब्सेंस में पीछे से आई है और उसने आगे इस तरह से एलिगेशन लगाया। दिल्ली के नजफगढ़ में संपत्ति विवाद के चलते भाई ने की बहन की हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। स्कूटी पर जा रही 40 साल की महिला विद्या पर धनाधन फायरिंग, गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ा। पुलिस के मुताबिक पति की मौत के बाद अपने मायके में रह रही थी विद्या, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के हाथरस में बारात में फायरिंग, एक बच्ची को लगी गोली, अस्पताल ले जाते वक्त मौत। यूपी के जालौन में इलाज के लिए पहुंची महिला के साथ वार्ड बॉय ने की रेप की कोशिश, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। दिल्ली के शास्त्री पार्क में बच्चों को स्कूल ले जा रहे आरटीवी पलटी, हादसे में 12 बच्चे घायल, 4 को लगी गंभीर चोट। हादसे के समय गाड़ी में सवार थे 20 से 25 बच्चे, सभी घायल बच्चों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार के कारण डिवाइडर से टकराकर पलटी गाड़ी, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। यूपी के देवरिया में शंकराचार्य के समर्थकों की पुलिस से झड़प, मंदिर में स्थापित साई प्रतिमा का विरोध कर रहे थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता भी समर्थकों के साथ झड़प के दौरान पुलिस ने जमकर लाठीबाजी। बोधगया बम धमाकों के 1 साल पूरा होने के बाद गैर सरकारी संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च। पूरा दिन उपवास रखने के बाद रात को सैकड़ों लोगों ने हाथ में मोमबत्तियां लेकर निकाला मार्च, देश में अमन चैन के लिए की प्रार्थना। चेन्नई में 150 साल पुरानी 2 मंजिला इमारत धराशायी, अचानक भरभराकर गिरी इमारत। हादसे के वक्त घर में कोई नहीं था मौजूद, बाल बाल बचा परिवार, प्रशासन ने पहले ही दिया था घर खाली करने का नोटिस।
अमेरिका में हवाई यातायात में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को लेकर नया कानून, बैटरी डाउन होने पर मोबाइल और लैपटॉप ले जाने पर पाबंदी। अचानक बदले कानून से यात्रियों में खलबली, सुरक्षा कारणों से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को लेकर बदले नियम। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल रहील शरीफ ने किया नॉर्थ वजीरिस्तान में सेना के कैंप का दौरा, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जाने के बाद पहला दौरा। फीफा वर्ल्ड कप 2014 का पहला सेमीफाइनल आज, फाइनल के टिकट के लिए भिड़ेंगे ब्राजील और जर्मनी। अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी से बैकफुट पर ब्राजील, मेन फॉरवर्ड नेमार और कप्तान थिएगो सिल्वा के बगैर उतरेगी ब्राजील की टीम। नेमार को क्वार्टर फाइनल मैच में रीढ़ की हड्डी में लगी थी चोट, तो कप्तान सिल्वा को लगातार दूसरी बार दिखाया गया था येलो कार्ड। कल से टीम इंडिया का बड़ा टेस्ट, नॉटिंगहम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला।